आप मरे स्वर्ग है, फिर क्या करें? नहीं तो नरक है। तो क्या मरना पड़ेगा स्वर्ग देखने के लिए? चले काम धंधे पे, और क्या। ओ थारे इतने रेस्ट थोड़ी है, हम भी अपना काम धंधा करते हैं। काम धंधे माँ बेटी अपनी पोजीशन दिखा और बेटी की दिखा जरा, और यहाँ काम धंधे पे जा रहे हैं और तुम सोके भी नहीं उठे, खाटरे भी ना छुट्टे थारते। किस्मत है अपनी अपनी, किसी को देख के जेलस नहीं करना चाहिए। हम ऐसी लेट लेट के ही काम करते हैं, तुम धूप में धक्के खा करके करते हो। कोई पूरी रात दे, मेरी छोरी, हाँ मुझे याद आ गया, ये मेरी ममोली सी छोरी, चुतड़ भी ना धोए उठोगे के तुम खाटरा में। सुबह 5 बजे उठ के धो लिए, हाँ तुमने के बेरा, तुम तो खाट में पड़े थे उस टाइम पे। बास ही आड़ी तो यहाँ लग रही है। हाँ बास आने लग रही है। पू निकलो, पू नहीं पो। अब पो ही कहाँ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ आज। फ्रेंड शरीर नहीं चल रहा है, लेटी हुई हूँ मैं। मैंने बनाई है घिया की सब्जी, भिंडी की सब्जी और बनाई है रोटी। बिना शरीर चलने पे भी फ्रेंड्स घिया की सब्जी, भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है। और औलाद कह रही है कब चलता है, मतलब कि 1 सेकंड में औलाद डायलॉग मार देती है इतना करने के बाद। दीक्षा आज मेरे नेल्स कराने, करा दे बेटा, तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूँ मैं तो फिर नहीं कराती, कह रही रोज नेल्स वाले के बैठे रहो। ठीक है फिर नहीं करा रही मैं, ऐसे ही जाऊंगी फंक्शन में बिना नेल्स के। यार ये डीओ क्यों निकाल देते हो आप बैग में से, आप रख दिया करो ना, बैग में ही रहने दिया करो। फ्रेंड स्वीट मॉम का खुद का बैग फट चुका है, मेरा बैग लेके जाती है सारी, मेरे जूते वूते निकाल के, तो डीओ तो एटलीस्ट उसके अंदर रहने दिया करो। मुझे डीओ की जरूरत नहीं, मैं इतना बजट ढो के क्यों लेके जाऊं, तू तो स्कूटी पे फुट चल देती है, मुझे पैदल जाना होता है। तो आपने स्कूटी क्यों नहीं सीखी अपने टाइम में, अपने पिताश्री के घर पे? हमारे टाइम में स्कूटी नहीं थी। तो आपके भाई भाइयों को कैसे आती है गाड़ी और स्कूटी? वो साइकिल और स्कूटर आता था, स्कूटी भी आ गई। तो आपको क्यों नहीं आया? सहेलियों के साथ हंडन से फुर्सत मिली होगी तब तो कुछ सोचा होगा सीखने की। तेरे चक्कर में ककड़ी कभी कड़वी खा ली मैंने। फ्रेंड सहेलियों के साथ घूमती थी फुल, कभी पिक्चर जा रही है, कभी मार्केट जा रही है लंबो आंटी के साथ। उस टाइम में बड़ा कोई हमें पिक्चर नहाने अलाउ करता, कभी चोरी चोरी डिनर पे जाती थी लंबो आंटी के साथ, क्योंकि कम कम जाने देते थे घर वाले, तो चोरी चोरी जाना पड़ता था दोस्तों के साथ। जैसे हम अभी हम इस नए जमाने में भी हम चोरी चोरी जा रहे हैं। तुम्हें कितने अच्छे पेरेंट्स मिले, तुम धड़ले से घूम कि कितने अच्छे पेरेंट्स मिले कि हम अभी भी चोरी चोरी जाते हैं। 80% ऑफ द काम तो चोरी चोरी करते हैं। अब मेरी नेल्स कराने चल रही है, मैं ऐसे जाऊं फंक्शन में, बता ऐसे ही जाओ। मैं सुतरी हूं मैं सैलेड। अब 2-3 दिन का जो चीट मील लिखा था ना डायरी में, अब वो ऐसे ही पूरा होएगा। ककड़ी खराब हो जाएगी इसलिए खा रही हूँ। और कल तो देव और भाभी आ रहे हैं। आहा मम्मी चमक रही हो, भाभी तुम्हारी बहू आ रही है, खूब सेवा कराएंगी अपनी बहू से। बाबा जमाने गए, बहू को बिठा के सेवा करानी पड़ती है। हाँ सही में, ये गुड थिंकिंग मम्मी, गुड थिंकिंग। कल को तुम्हारी आने वाली घर में भी जो बहू आएगी ना, तो थिंकिंग तुम्हारी गुड होनी चाहिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप बोलिए हम क्या करें, जैसे कि दीक्षा बोलती है, देखा बोला ना। ये बनी है घिया और ये बनी है अंगी, ये बनी है भिंडी और ये मैं बनाई हूँ करेले। और फ्रेंड्स ये मैं बनाऊंगी अपने पनीर और प्याज के परांठे ओट्स के, जिसमें कि धनिया डालूंगी, थोड़ा लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज सब डालूंगी। अब इसको धोऊंगी काटूंगी पीटूंगी, तो पहले करोले कर ले करेले कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है अभी मेरे खाने में है टाइम। तो चलिए फटाफट से करेले कर लेते हैं, छींग बांग बांग बूंग जो भी करना करेलों का। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए। अगलावा मजबूरी नु आने जानती पसूरी नु। सो गाइस न्यू रील डाल दी है, जल्दी से जाइए और इंस्टाग्राम पे देखिए। मम्मी थैंक्स का फोन आ रहा है आपके। थैंक्स फोन क्यों कर रहा है मुझे? हेलो क्या बना रखा है? घिया। मैं इसको भेज रहा हूँ 4 फुलके और घिया सब्जी उसमें दे दे। इस रुक जाओ, इसी के हाथ भिजवा दो। अच्छा ठीक है भेज दो। हाँ ठीक है भेज दो।
और कहते कहते फ्रेंड्स फोन काट दिया। तो ये कहाँ जा रहा है? मम्मी चाय बना दो यार, 5 दिन से चाय नहीं पी है। 5 दिन से? कहाँ गई थी तू? लग गई मुझे पैर पे। कहाँ गई थी तू 5 दिन से चाय नहीं पी है? चाय नहीं पी है, एक दिन फार्म हाउस चले गए वहाँ पे नहीं पी। वहाँ तेरे पापू जी ने इतनी स्वादिष्ट चाय बनाई थी। थी। हाय हाय दीक्षा, किसी की मेहनत को नोना ऐसे नहीं कहते बेटा, मेहनत की कदर सीखो। हम लोग इतनी मेहनत करते थे, उसमें पत्ती ज्यादा थी, चाय थी, ये कोई ढंग है तुम्हारे बोलने के? पत्ती ज्यादा थी। जब बना मैं पीऊंगी, मैं थक रही। जल्दी बनाओ तो स्वादिष्ट। पता ही नहीं 3 बजे का, मुझे कोई काम मत कहा कर, मैं बिल्कुल नहीं हिलती। मैं नहीं, ये सीरियल देखती रही। कौन सी सीरियल? कभी कभी इत्तेफाक से। ओहो इत्तेफाक, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो गया इत्तेफाक से? मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं हुआ इत्तेफाक से। थैंक्स आए तुम्हारी जिंदगी में इत्तेफाक से, मेरी जिंदगी संवार दी थैंक्स ने आकर के। या फिर बना ला। House is being so messy. कल देव एंड भाभी आ रहे हैं। House being so much messy. कोई बात नहीं, घर के ही हैं वो, मेहमान हैं जैसे हम पसर रहे हैं। पीछे भाभी का वेलकम करना आरती के थाल से। प्रियंका यहाँ पसर जाएगी मेरे साथ में, पतली सी भाभी का। भाभी का एक बार आपने बम का गोला छोड़ा, वो उड़ जाएंगी। वो कोई बात नहीं, उसको आदत होगी, उसके घर में भी तो कोई छोड़ता ही होगा। सुनो आरती के थाल से आरती होगी। जब मैं पहली बार आऊंगी ना, तब मेरी भी आरती होनी चाहिए। सो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और एकदम रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपनी मोंगस की टी शर्ट पहनी है जिसमें पीछे शेर बना है। आई होप आप लोगों को दिख गया होगा। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ अपनी ट्रेनर के घर चाय पीने, उन्होंने मुझे चाय पे बुलाया है। चलते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं और चाय पीते हैं। तो वहाँ पे मुझे हमेशा फीकी चाय पीनी पड़ती है, मीठी चाय नहीं मिलती। और मीठी चाय बोल भी नहीं सकते वरना मार पड़ेगी आपको। तो चलो चलते हैं, फीकी चाय पीते हैं। एंड ये वाला ब्लू कलर मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। इस मस्त चाय वाय पी ली, गप्पे शप्पे मार लिए। एंड मेरी ट्रेनर मुझे कह रही है साइकिल खरीदने के लिए, जो कि मैं सोनिका के साथ बहुत टाइम से प्लान आउट कर रही थी कि मैं साइकिल ले लूँ। बट मुझे कोई ना कोई साथ चाहिए यार साइकिल चलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तू ले ले, तू और मैं चला करेंगे। और किसी दिन मैं नहीं जा पाई तो मतलब चली जाइए अकेले, या फिर कोई और मतलब हो जाएगा मैनेजेबल। तो आई एम थिंकिंग, वो मुझे कह रही है अभी साइकिल ले आ, अभी जाके। बताओ यार, घर वाले मारेंगे मेरे को छितर। मेरे भाई की तबीयत ठीक होती ना, अभी जाके साइकिल ले आती। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं ला रही। कोई अपनी 40,000 की साड़ियाँ लाता है, मैं कुछ बोलती हूँ? मैं 10,000 की साइकिल नहीं ला सकती, अभी ले आती जाके। हैंड टू हैंड, डरती नहीं हूँ किसी से। फ्रेंड साइकिल लानी है, स्वीट मॉम मना कर रही है लाने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि लाओगे तो वो वेस्ट हो जाएगी, चलाओगे नहीं। अरे भाई मौका तो दो चलाने का, तभी तो करेंगे, चलाएंगे। हो सकता है अगर मेरे को ब्रेड भी लानी हो तो मैं साइकिल पे जाके ले आऊँ, मैं इतना सुधर जाऊँ। पर मौका तो दे इंसान, पहले ही नाटे जा रहे कि नहीं। तो इंसान जो करता हो वो भी ना करे, है ना? बल्कि बोले जा बेटा ले आ, जा इंजॉय कर तू कर। बल्कि अच्छी बात है, साइकिलिंग करनी चाहिए। तेरी स्कूटी बेच देंगे हम, तू साइकिल चला, जा ले आ। पर नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो राखी जी प्लीज इसको साइकिल लाने दो, ये चलाएगी और हेल्थ के लिए साइकिल बहुत अच्छी होती है। दिखता मेरा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। और अभी फिलहाल मैं आई हूँ जूस पीने, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है यार। तो मैंने लिया अपना पाइनएप्पल जूस, मैं पाइनएप्पल जूस ही पीती हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी, कल आ रहे हैं देव एंड भाभी, मज़ा आएगा। डिनर में है आलू गोभी परांठा, अभी वैसे जगह नहीं, अभी बुला मंगा लूँगी गोभी परांठा। अभी भाई बना रहे हैं मैंगो शेक, और आज भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पता नहीं लू की वजह से या क्या हुआ, फिर उसको ड्रिप वगैरह चढ़ी हाथ में। तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, वो घर पे आ चुका है, वो खुद ही चढ़ा जाता है ड्रिप चढ़वाने, वो चढ़वा के आ जाता है। हमारी मतलब नोन की फैमिली डॉक्टर है। तो वो सारे काम कराया, अब बना रहे हैं मैंगो शेक अपने लिए भी, मेरे लिए भी और पापा के लिए भी। और इधर मैं कर रही हूँ आराम से बैठ के एडिटिंग।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने आज बनाया खाने में, ये देखिए, मूंग की दाल बनाई है मैंने, चावल बनाया और इस कुकर में है राजमा, और इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं खा रही हूँ राजमा की चाट। ये देखिए राजमा मैंने निकाल लिया, बॉईल किया हुआ, और इसमें मैंने खीरा डाला है, प्याज और टमाटर, और थोड़ा सा निचोड़ा है इसमें नींबू, और मैं अब इसको खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में। जैसे कि आज अक्षय तृतीया है, तो मैं अपने गोपाल जी का चंदन श्रृंगार करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब कि जैसे भी मेरे से होता है। पिछले साल भी मैंने वीडियो डाली थी, आप चाहे तो मेरे पिछले साल की भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाला चंदन मैंने लेके थोड़े से पानी में घोल लिया है इसको, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट कर दिया लगाना। अब इसी तरह से इसको पूरी बॉडी पे मैं ये ब्रश की हेल्प से लगा दूंगी। मम्मी, आज खाने में क्या बना है? राजमा चावल। हाय, मेरे फेवरेट। कहाँ है, खा रहे हो आप भी? कर दूं गरम? मैं गरम नहीं कर रही भाई, गोपाल जी वाले में थोड़े से ले रही हूँ। अरे, मैं गरम कर रही हूँ। क्यों? मेरे इसी में डाल दे, इसलिए दो बूंद डाल देना। तो अभी गरम करने दो। गाइस, बने राजमा। राजमा किस किस के फेवरेट है जरूर बताना। वैसे तो राजमा सबके फेवरेट होते हैं। पापा के नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल है ना, हमारे हिटलर फादर, वो वन एंड ओनली हैं, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए हिटलर फादर के फेवरेट नहीं है। गाइस, गाइस, स्ट्रीट मॉम आई है मुझे दिखाने, ड्रामे करती है। देख, मेरे गोपू का सा लग रहा है। सुंदर मम्मी, अति सुंदर। तो फ्रेंड्स, कैसे लग रहे मेरे गोपाल जी, प्लीज बताएं। चंदन श्रृंगार में तो फ्रेंड्स, ये है मेरा इस बार का चंदन श्रृंगार। आप मेरी वीडियो पिछले साल भी मैंने डाला था, आप देख सकते हैं, गोयल फैमिली नोकझोंक चंदन श्रृंगार करके मेरी वीडियो आ जाएगी। ये देखिए, मेरे गोपाल जी का बताएगा कि कैसा लग रहा है। तो मैंने 4 घंटे पहले चाय बोली थी, अभी तक कोई खा रही है। दीक्षा बना दे। आए, पता ही तेरे नोते बामनों का क्या होगा। 12 बजे चाय कह रही हूँ, 5 बज गए, चाय नहीं मिली मुझे अभी तक। सब सोचेंगे पता नहीं मैं कितनी चाय पीती हूँ, एक बार पीती हूँ उसके मुझे कितनी आवाजें लगानी पड़ती है एक बूंद चाय के लिए। मम्मी, चाय का क्या हुआ? अरे, तो मुझे तो चाय चाहिए, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो ये खा कर आजा। मम्मी, मैं तुम्हें गले लगाने, तुम भागे जा रही हो इतना भारी तरफ में। फ्रेंड्स, मैं गले लगाने के लिए ढूंढ रही हूँ। देख, गाना बोल रहा है जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी नी सारे घरे 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 घसा, नी सारे घरे 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 घसा। और एकदम बढ़िया पनीर सैंडविच। और फ्रेंड्स, मम्मी कह रही है कि ना भाभी आएगी तो उनको ना कल मूर्थल ले जाना है। मम्मी कह रही है, मुझे तुम्हारी तो कोई वो नहीं है, तुम तो जाते रहे, तुम्हारी कोई वो नहीं है, उसको ले जाना। हमारी वैल्यू फ्रेंड्स 0 हो गई है अब पूरे 1 हफ्ते के लिए। गाइस, ततैया फिर आ गया बुरा। क्या कह रहे थे पापा? भैया, ततैया आ गया फिर से। मम्मी, ये इसके अंदर से आ रहे हैं। एसी के अंदर से? नहीं, ये इसके अंदर घुस गया है। इसके अंदर? ये फॉल सीलिंग के अंदर। तो यहाँ से कहाँ से आएगा? अंदर गड्ढा तोड़ने बाहर से? नहीं, कहीं फॉल सीलिंग के अंदर तो वो नहीं है, छत्ता है। कोई बड़ी बात नहीं कि फॉल सीलिंग के अंदर छत्ता हो। तो बहुत सारे होंगे, एक एक। वो देखो, वो बैठा हुआ कोने पे, ये बैठा हुआ। मम्मी, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि फॉल सीलिंग के अंदर भी छत्ता हो। सोफा तोड़ दे, इतना वजन चढ़ के खड़ी हो गई है। अरे, छत्ता सोफा तो नया बनवा लेंगे, बैठ जा नीचे। गाइस, देव और भाभी आने वाले हैं 6 बजे तक, और मेरी क्लास भी है। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नेक्स्ट वीक पूरी छुट्टी होगी मेरी।